हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। मैं हूं अरविंद ठाकुर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरवेट क्लास। तो मैं आज अपने स्टूडेंट को लेकर मंडी हाउस आया हूं। मंडी हाउस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पर डाल दूंगा। तो मैं आज आप लोगों को वाटर कलर सिखाने वाला हूं, ठीक है। वाटर कलर वो भी फेवियानो पेपर पे। ये आर्टिस्ट का फेवियानो पेपर है और इससे मैं एक पेपर निकाल ले रहा हूँ, ठीक है। अब मैं इसे लगा करके बना रहा हूँ वीडियो और क्लिप। आज की क्लास में सिर्फ वाटर कलर बताया जाएगा, ठीक है। इससे पहले वाले जो वीडियो मैंने बनाया था उसमें स्केचिंग के बारे में डिटेल से बताया गया है, तो आप लोग जाकर के उसे देखें, इससे आपको स्केच के बारे में काफ़ी कुछ समझ में आएगा। हम लोग ऐसे करते हैं, इसमें ना एक साइड से लाइट लेते हैं, जैसे कि इसमें अभी तो सामने लाइट पड़ रहा है लेकिन थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा जब हम एक साइड से लाइट लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले कलर हम लोग लेते हैं बनसेने कलर। बनसेने कहाँ गया, ये रहा यार, ऐसे ही लिए, ठीक है। बनसेने कलर लिए, ठीक है, और इसके चेहरे पे डाल रहे हैं, ठीक है, जैसे इधर से है ना, यहाँ पे ऐसे हम लोग यहाँ पे ऐसे ले सकते हैं, ठीक है। साथ साथ में थोड़ा बहुत हम लोग इसके बीच बीच में येलो भी डाल देंगे तो अच्छा लगेगा देखने में, ठीक है। कलर थोड़ा चेंज हो जाता है ना तो अच्छा लगता है देखने में, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे थोड़ा सा नीचे से ले लेते हैं, ठीक है। अब जी जैसे कि यहाँ पे हाथ पे हो गया, ठीक है, बस इसका काम ख़त्म हो गया। अब इसमें जो थोड़ा एक्स्ट्रा कलर है या तो इसको यहीं पे छोड़ सकते हैं सूखने के लिए, ठीक है, या फिर इसे हटा सकते हैं। तो ऐसे कर रहे हैं कि इसे ना अभी यहीं पे सूखने देते हैं, ठीक है, या फिर इसे थोड़ा सा हटा लिए क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाएगा। अब क्या है कि इसका कपड़ा कुछ इस तरह ब्लू कलर से है ना, ब्लू है इस तरह का, ठीक है। इसमें थोड़ा सा रेड बना देंगे इस तरह कलर का ना, कौन नहीं उठाएगा तो, ठीक है। क्लास ले रहा था मैं, यहाँ पे कुछ ऐसे आ रहा है ना, ये ठीक है। यहाँ पे ना, ठीक है। अब जस्ट इसके नीचे लाइट कलर है, ठीक है ना, इस तरह से लाइट कलर है यहाँ पे। तो अब ये नीचे एक लाइट कलर पूरा में डाल देते हैं इसे करके, ठीक है, क्योंकि इसे लाइट कलर पे डार्क कलर चढ़ सकता है। अब इसका जींस के कलर देते हैं, ऐसा करते हैं इसमें जो लाइट कलर है पहले वो डाल लेते हैं, फिर इसमें जो डार्क कलर का वो सेट्स है वो तो आ ही जाएगा बाद में। तो ये है कुछ इस तरह कलर का ना, ठीक है, थोड़ा सा ये लगा दे इस कलर में, इसके कपड़े के सेट्स। बीच बीच में
कुछ इस तरह का सेट्स आ रहा है ना। ठीक है, जूता लगभग मैं इसी कलर से है तो इसके लिए अलग कलर्स बनाने की जरूरत नहीं, इसे भी नीचे तक कर दे रहे ऐसे करके। ठीक है, अब इसमें क्या है कि थोड़ा सा हमें ये ग्रीन ग्रीन कलर का एक देख रहा है, दिख रहा सेप दिख रहा ना, तो वो डालने की कोशिश कर लेते हैं पहले इस तरह करके। ठीक है, बाद में जो डिटेल्स वगैरह है वो कर लेंगे। अब इतना देर में क्या हुआ कि हमारा ये सब कलर सूख गया ना, तो अब डिटेल वर्क करते हैं। ठीक है, जैसे कि इसके नाक पे हो गया, आँख पे हो गया, ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पे ये आ रहा है। ठीक है, और कुछ सेट्स ये नीचे से ऐसे आ जा रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पे हम लोग ऐसे ना देख रहे हैं, यहाँ पे हम लोग ऐसे कर लेंगे। ठीक है, ये है ना नाक के नीचे यहाँ पे आएगा ही आएगा, और मुझे लग रहा है कि कलर शायद सूखा नहीं है इसीलिए ये फैल रहा है। ठीक है, इसका ओठ का कलर ऐसे पिंक कलर से, तो ये बन से नहीं डाल सकते, डाल देते हैं, कलर यहाँ पे फैल रहा है। तो कलर ये सूखा नहीं है, फैल रहा है, तो हम लोग कुछ इस तरह से यहाँ पे ऐसे से डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये डाल सकते हैं ऐसे करके। इसके नीचे डार्क दिखेगा, ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, बंसीना कलर लेंगे बालों के लिए, बंसीना, और इसमें कोई कलर नहीं मिलाएंगे इस टाइम में, डायरेक्ट बंसीना कलर डालते हैं इस तरह से, है ना ये। यहाँ पे ये आ रहा है, कहीं कहीं वाइट छोड़ते हैं, ये ऊपर नीचे करके हमें बाल बनाना था ऐसे हुए बनाएंगे। ठीक है, अब ये आ गया डार्क कलर ना, ऐसे डार्क कलर बना सकते हैं। ठीक है, आ जहाँ जहाँ डार्क लग रहा है वहाँ पे ऐसे डार्क कर देंगे ऐसे करके। ठीक है, गीले गीले पे करेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा देखने में, मिक्स हो जाएगा वो। ठीक है, चलिए इसमें बाद में करेंगे।
अब बनसेना से थोड़ा सा हम लोग इस पे ये आईब्रो तो बनसेना कलर से हम लोग चलो बनसेना कलर से हम लोग यहाँ पे आईब्रो बना सकते हैं, आंखें ठीक है यहाँ पे आंख ठीक है ये नीचे नीचे ऐसे थोड़ा डार्क कलर करने से ये अच्छा लगता दिखने में ठीक है और ये मिक्स भी हो जा रहा है यहाँ पे थोड़ा सा ये जगह पे ठीक है ये हो गया ये आ गया। हाँ अब हम लोग क्या है कि इसमें यहाँ पे भी कुछ डिजाइन है ना जैसे ब्लू हो गया ठीक है थोड़ा सा ये कलर से मिला करके ना ये कलर से ना कैसे है यहाँ पे ये चीज लाइट होना चाहिए था ठीक है यहाँ पे डार्क हो रहा है ना यहाँ पे भी इस तरह से हम लोग डिजाइन बना सकते हैं कपड़े का ना यहाँ पे ऐसे से घूम रहा है यहाँ पे हल्का हल्का टोन मार रहा है यहाँ पे है ना ये चीज यहाँ पे ऐसे ऐसे घूम घूम करके आ रहा है ठीक है इससे बहुत पतला पतला ये डिजाइन यहाँ पे है ठीक है लाइट इधर से आ रहा है तो जस्ट इसके अपोजिट साइड डार्क होगा जैसे कि ब्लू से हम लोग कर रहे थे तो कहाँ पे होगा ये डार्क ये जगह पे ना ये जगह पे ऐसे है ना यहाँ पे ऐसे ना ठीक है अब नीचे वाला एरिया जहाँ पे लाइट है वहाँ पे लाइट कलर करना पड़ेगा इस तरह से है ना यहाँ पे भी ऐसे होगा ऐसे ना ठीक है यहाँ पे कुछ ऐसा रहा ये अभी गीला है तो यहाँ पे करने में दिक्कत आ रहा है ठीक है इसमें बाद में ड्रिल करेंगे यहाँ पे इस जगह पे कलर है यहाँ पे थोड़ा सा कलर है ऐसे करके ठीक है कुछ यहाँ पे ऐसे आ रहा है कुछ यहाँ पे डार्क हो रहा है ठीक है फिर ये हाँ तो इसमें ना पहले हम लोग शेड्स डाल देते फिर बाद में डिजाइनिंग बनाएंगे ठीक है ऐसे आगे ना कुछ यहाँ पे ऐसे कपड़े का यार है ये चीज ना यहाँ पे ऐसे करके ठीक है जब तक ये सब सूखता है ठीक है तो तब तक ऐसा कर रहे हैं हम लोग ना इसका बैकग्राउंड में जो कलर है वो मार लेते हैं पहले तो इसके लिए मुझे चाहिए फ्लैट ब्रश अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले आसमान को गीला कर रहे हैं ठीक है इसमें ज़्यादा
हमें मेन चीज़ दिखलाना ये इंसान, ठीक है। तो बाकी पीछे भी ज़्यादा कलर्स वगैरह नहीं डालेंगे, हल्का हल्का कलर डालेंगे, ठीक है। और इससे पहले है कि पानी से वॉश कर ले रहे, ठीक है, ऐसे पीछे का ज़्यादा डिटेल कर देंगे तो ये हमारा जो सामने का है वो दिखाई नहीं देगा, है ना, ऐसे। ठीक है, अब क्या ये अल्ट्रामरीन ब्लू है, और अल्ट्रामरीन में हम लोग थोड़ा सा क्रिम्सन लेक मिला देते हैं, ठीक है। ये अल्ट्रामरीन ब्लू और क्रिम्सन लेक, ठीक है, दोनों मिला करके हम लोग काम करें। अब जैसे यहाँ पे हम लोग, ठीक है, हमें थोड़ा सा यहाँ पे ब्लू वगैरह ऐसे डाल सकते हैं जिससे अच्छा लगे देखने में ना, ठंडा का मौसम है ऐसे ना। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई इसलिए थोड़ा देर तक वीडियो को टाइमलेस पे डालना पड़ रहा है। पेड़ का थोड़ा सा शेड डालेंगे, ये गीला है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब ये हम लोग इन्हें देते हैं, ठीक है, हाँ। और ये रहा आपका ड्राइंग।